चाहती थी, माइंड सेट ऐसा था कि मेडिसिन्स मुझे नहीं लेनी है किसी भी तरीके से, साइड इफेक्ट्स मुझे लगता था कि होते हैं, रीजन नहीं पता था, जो कि यहाँ आके पता चले कि दवाइयां लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, पता था बट साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी कि क्यों कहते हैं कि दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। तो सब सॉल्यूशंस मैंने छोड़ दिए, तब भी मुझे लगा कि कुछ और ढूंढना चाहिए, कुछ और ढूंढना चाहिए। और इंस्टेंटेनियसली कहीं पर जा रही थी तो एक पैम्पलेट मुझे मिला यहाँ का, प्रेक्षा ध्यान का, कि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ओबेसिटी, पीसीओडी और इस तरह से। आई सेड ओके, आई ट्राइड ऑफ, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, छुट्टियां चल रही हैं, तो आई फेल्ट लाइक कि चलो वेकेशन है, बच्चा भी घर में संभल जाएगा, तो यहाँ पर क्यों ना ट्राई किया जाए। अपने साथ अपनी फैमिली के चार लोगों को और बोला, दे केम टू ए स्पॉट में कि चल तू चल रही है तो हम लोग भी चल लेते हैं। तो सब कुछ चेंज करके यहाँ पर आए, बस दिमाग में ये था कि यार कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, बिकॉज एवरीबडी सेड कि लाइफस्टाइल चेंज होगा तभी आपका ये होगा, आप खाने में ये करो, तो खाने में दो दिन खाया, बट ऑफकोर्स एज अभी 30-34 है, तो मन जो है पिज्जा बर्गर छोले भटूरे पूरी आदि में ही लगता है, वो मतलब ज्यादा खाने में कम खाना करने में नहीं होता, क्योंकि घर में ऐसा एटमोसफेयर नहीं होता कि बच्चे भी खा रहे हैं तो मन करता है खाने का। तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ऐसा लाइफ स्टाइल मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं ऐसा लाइफ स्टाइल, वी हैव बीन इन टू फ्राइंग एंड ऑल फ्रेंच फ्राइज, कभी देखा ही नहीं ऐसा लाइफ स्टाइल भी होता है। तो आई ट्राइड अ लॉट बट कुछ सॉल्यूशन मिला, 1 किलो 2 किलो हैप्पी, देन इट वेंट ऑफ अगेन, दोबारा मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा। साइंस स्टूडेंट हूँ इसलिए कभी भी कुछ चीजें मुझे लोग बोलते थे कि मेडिटेशन करिए, आपकी मेडिटेशन से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, मेडिटेशन से हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो आई सेड ओके, प्रेक्षा ध्यान में मेडिटेशन का है, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मुझे मेडिटेशन करो, बट आई नेवर न्यू द टेक्निक, मुझे टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, और मुझे रिजल्ट चाहिए था कि मेडिटेशन से ही, और जो योगा कहते हैं कि योगा से आपका वेट रिड्यूस होगा, आई डिडंट नो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आल्सो आई डिडंट नो कि मेडिटेशन से और योगा से कैसे रिजल्ट आएगा। आई वांटेड प्रूफ्स, मुझे प्रूफ चाहिए थे, मुझे रिजल्ट चाहिए था, मुझे डाटा चाहिए था। फर्स्ट डे जैसे हम डॉक्टर मनचंदा से मिले, थोड़ी सी इच्छा लगा कि अच्छा है मेडिकल के हाथ में जुड़े हुए, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, मेडिकल के भी, एंड ही सेड कि कुछ रिवर्स भी हो सकता है, मन थोड़ा और लगा। फर्स्ट डे आने में बहुत दिक्कत हुई थी कि भाई चलो कहाँ पर आ गए और मेडिटेशन होगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और इसके बाद बट सीरियसली आई गॉट द रिजल्ट्स, यहाँ पर मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था, और मुझे अब ये विश्वास हो गया है कि थॉट्स से और आपके चित्त से आपकी डिजीज जो है वो जा सकती है। It is the thoughts along with conscious breath which can make us healthy and happy. Actually, I'm happy. मेरे हस्बैंड को मैं रोज रात को फोन करती थी कि अच्छा तुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो तुझे बोलता था लाइफ स्टाइल से जिन्हों करता है, तो मैंने वही बात बोली जो शर्मा सर ने बताई थी, मम्मी की बात नहीं मानेंगे मैडम की बात मानेंगे। जैन सर ने भी यही बोला था कि मम्मी की बात नहीं मानते मैडम की बात मानते हैं। तो ऑल ऑफ दैट आई कीप ऑन अप्लाइंग, हर रात को मैं फोन करती थी आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। और इसके बाद I can say camp has totally changed me along with my mindset. अब मैं totally dedicated हूँ कि I'm going to change my lifestyle. Husband का बोला है हम तो कुल्फी खा रहे हैं, ऐसा डोकी आप खा लो घर आके आपकी भी बंद कराने वाली हूँ धीरे धीरे। आई एव लॉस 2.5 kgs which is a good result for me because जिम में जाके भी आई थिंक मेरा 500 grams भी एक महीने में सॉल्व नहीं होता, वेट लॉस नहीं हुआ था। मैं जिम भी जाती हूँ, इरेगुलरिटी है, यहाँ पर आकर एक टाइम का मुझे बहुत अच्छा लगा कि नियमित रूप से यदि आप करेंगे तभी रिजल्ट है। जैन साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको रिजल्ट आएंगे लेकिन जो हम एक्टिविटीज करा रहे हैं आपको उसका 100% देना है। तो आई एम नॉट मिस अ सिंगल क्लास, हाँ थोड़ी बहुत मेरे से मंत्रा मेडिटेशन से मिस हुई है बिकॉज ऑफ दैट नेचुरोपैथी सेशंस, एक दो क्लासेस मिस हुई है, बट आई एम हैप्पी कि 80-90% आई हैव अटेंडेड। एंड शर्मा सर का बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स थे आई वुड स्पेशली आई एम सेट थैंकफुल टू हिम कि जो जो मेरी क्वेरीज थी, जो जो मेरी प्रॉब्लम थी, साथ के साथ सॉल्व हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोला है तो मुझे बाद में बताया गया है। 4:30 के बाद रिलैक्सेशन सेशन में शर्मा सर और मैं बिल्कुल उनको यहाँ से घसीटते हुए वहां पर सर चलिए बैठिए, और सर ने भी बहुत अच्छे से बताया। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अवेयर, आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लर्न मोर। मैंने पूछ लिया एमए योगा कैसे होता है क्या है, और सर की बात से खत्म करना चाहूंगी, जहां चित वही प्राण और आधार आहार ही आपकी औषधि है। थैंक यू सो मच।